नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव विद अस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जलेबी बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं इसके, इसे कोई भी आसानी से अपने घर में बना सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें जलेबी बनाने के लिए चाहिए एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी दही, एक बड़ा चम्मच घी, दो चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी नमक। फ्रेंड्स, अब हम इन सबको मिला लेते हैं। दही को हम पूरा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर जब जितनी ज़रूरत होगी फिर डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ये, इसमें हमको थोड़ा सा और दही मिलाना है। फ्रेंड्स, दही मिलाने से पहले ये याद रखिएगा, अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप आधी कटोरी दही नहीं डालेंगे, फिर 1/4 कटोरी दही डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, जिससे कि हमारा ये बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए। फ्रेंड, इसके बैटर को मिक्स करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि इसको एक ही डायरेक्शन में हमेशा मिक्स करें, और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। ज़्यादा पतला होगा तो हमारी जलेबी कुरकुरी नहीं बनेगी, और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो हमारी जलेबी में चाशनी अंदर अच्छे से नहीं जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ढक कर अच्छे से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। पूरा दही यूज़ किया है फ्रेंड्स, और घी भी पूरा यूज़ किया है। फ्रेंड्स, हमने जो ये जलेबी का बैटर बना के रखा था, इसे 25 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए होगा जिसकी गहराई हो, ये देखिए, और हमें चाहिए 2 कटोरी चीनी, क्योंकि हम 1 कटोरी मैदे से जलेबी का बैटर बनाया है। तो हम चाशनी के लिए 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और इलायची पाउडर। फ्रेंड, ये ऑप्शनल है, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके चीनी के दाने बड़े हैं तो आप 2 कटोरी के बदले 1.5 कटोरी भी चीनी यूज़ कर सकते हैं और 1 कटोरी पानी। फ्रेंड्स, देखिए हमारी चाशनी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, ज़्यादा उबालेंगे नहीं, बस 2 मिनट में ही चाशनी रेडी हो जाएगी, ये देखिए। फ्रेंड्स, अब ये इलायची पाउडर ऐड करके हम इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे, जिससे इलायची का फ्लेवर इसके अंदर थोड़ा बना रहे। फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी हो गई है, अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी फ्रेंड्स एक सॉस की बोतल, एक फ्राइंग पैन। फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ हमारा इलायची पाउडर है, हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी कितना फ्लफी हो गया ये बैटर। फ्रेंड्स, इसमें तेल ऐड करेंगे, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फूड कलर है, अगर आप कलर डालना पसंद करते हैं तो आप डालिए, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, अगर फूड कलर ऐड करना है तो पहले पानी में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको बैटर में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें भर लेंगे इसे। ये सॉस की बोतल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूध के पैकेट से भी बना सकते हैं, मैं दोनों से आपको बना के दिखाऊंगी। पहले चेक कर लेंगे थोड़ा सा एक बूंद डाल के कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, पर इसमें बनेगा नहीं। क्यों?
स्लो फ्लेम पे ही इसको आपको पकाना है। तेज फ्लेम करेंगे तो ये बाहर से कलर ले लेगा पर अंदर से कच्चा होगा। ये देखिए और फ्रेंड इसका जैसे ही ये पक जाए वैसे ही इसे तुरंत आपको चाशनी में डुबाना है, लेट नहीं करना। एक बार जलेबी बनाने के बाद आपको एक मिनट तक रुकना है जिससे कि हमारा तेल गर्म हो जाए, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा क्योंकि हम स्लो फ्लेम पे बना रहे हैं। तब तक फ्रेंड्स मैं आपको दूध के पैकेट से भी जलेबी बनाना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसको ऐसे एक ग्लास में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स तो हम नीचे से कट कर लेंगे, छोटा सा कट करेंगे फ्रेंड्स। तो हम पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी में गिरा लेंगे जिससे अगर पैकेट में पानी होगा या दूध होगा तो वो डायरेक्ट तेल में नहीं गिरेगा, पहले पानी में गिर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक कटोरी मैदे से हमारी इतनी सारी जलेबी बनके रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितना जूसी और क्रंची। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कुरकुरी और स्वादिष्ट जलेबी रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है फ्रेंड्स उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।